अगर नरेंद्र मोदी कर्नाटका हार जाते हैं, ईवीएम हैकिंग नहीं करवाते हैं, अगर नरेंद्र मोदी आगे आने वाला चुनाव राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश ये भी हार जाते हैं, ये हार वो इसीलिए स्वीकार करेंगे कि उनको ईवीएम से 2024 का चुनाव करवाना होगा। अगर ईवीएम पर कोई सवाल उठाएगा तो बोलेंगे हम चार चार पांच पांच राज्य हार गए, जब जीत रहे हो तब तो कुछ नहीं बोल रहे हो, क्योंकि ये हार भी वो अपनी सातिराना चाल के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ईवीएम को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ये चार पांच प्रदेश हार जाएंगे, लोकसभा का इलेक्शन होगा तो उसमें जीत लेंगे। ईवीएम की क्रेडिबिलिटी को कायम रखने के लिए दो चार राज्य चुपचाप हार भी सकते हैं। योजना है कि 2024 का चुनाव ईवीएम से हो और ये अपनी साजिश में कामयाब हो जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। जब से कर्नाटका के विधानसभा के चुनाव आए हैं, मेरे फोन की घंटी लगातार बज रही है। बहुत सारे लोकसभा के सांसद हैं जो मुझे फोन कर ये पूछ रहे हैं कि विनय भाई, कर्नाटक में जो चीज हुआ है वो हजम नहीं हो रहा। बहुत सारे रणनीतिक जो टेलीविजन पे पैनलिस्ट हैं वो जो बैठते हैं हमसे बातें शेयरी होती है, उनका भी मुझे कॉल आया कि विनय भाई ये कुछ समझ के बाहर है। कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी का हार जाना जैसा दिखाया जा रहा है एक्चुअली वैसा है नहीं, आपकी क्या राय है? बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि विनय भाई कर्नाटक के चुनाव पे विश्लेषण बनाइए। ये विश्लेषण तमाम उस जनता के लिए है जो वो चीज़ें देखना चाहते हैं जो आज सोशल मीडिया और टीवी चैनल नहीं दिखा रहे हैं। दरअसल मैं भाजपा के 2016 से लेके अभी तक के हुए सारे चुनाव का रिकॉर्ड और एनालाइज करता रहा हूँ, समय समय पर उनकी रणनीति को समझने की कोशिश करता हूँ। हर चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी का एक पैटर्न होता है चुनाव की, जिसे हम रणनीति कहते हैं या स्ट्रेटेजी कहते हैं। इसी स्ट्रेटेजी के अंदर कर्नाटका को भारतीय जनता पार्टी ने खुद सजा कर कांग्रेस के सामने रख दिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से हारी नहीं है, उसने ये जीत थाली में परोसकर कांग्रेस के सामने रख दी है। अब आप पूछेंगे ये कैसे हो सकता है कि कोई एक राजनीतिक दल चुनाव लड़े और हारने के लिए लड़े? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अलग तरीके की राजनीति करती है। ये चीज़ों को अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो आपको कुछ तथ्य और आंकड़ों से एक मेल मिलाप कराना होगा, तब आप समझ जाएंगे कि आखिर ये बातें मैं जब कह रहा हूं तो उसका मतलब क्या है। इस सारे चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? आपके लिए हिंदू मुसलमान, बजरंगबली, हलाला, बुरखा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा था वो थे वोटर का परसेंटेज, आंकड़े और सबसे बड़ा ईवीएम मशीन। अब आप हंसेंगे, बोलेंगे देखो आ गए ईवीएम पे रोना रोना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ईवीएम पे रोना ना हो, क्योंकि एक बड़ा चुनाव देश के सामने है जिसे आप लोकसभा 2024 कहते हैं। इस 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी का एक हिस्सा है कर्नाटक चुनाव का हारना। अगर कर्नाटक चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है, आगामी दो तीन और चुनाव हैं जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह हैं, इस चुनाव में भी अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो ईवीएम पर आप श्योर हो जाएंगे कि मशीन को मैनुपलेट कर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती आ रही है। लेकिन इन चुनाव के, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अगर दो तीन बड़े चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाए तो आप किस मुंह से ईवीएम पर सवाल खड़ा करेंगे? यही उस रणनीति का हिस्सा है जिसको मैं आपसे रूबरू कराना चाहता हूँ। आपको ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, उससे ठीक से पहले अगर आप सारे चुनाव को उठा लें, आप खुद गूगल कर लें, तो आपको ये पैटर्न समझ में आ जाएगा कि आखिर कर्नाटका भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी है। अगर आपको देखना चाहे तो मैं आपको कुछ उदाहरण के साथ समझा सकता हूँ। आइए मैं ले चलता हूँ आपको उस असलियत पैटर्न में, जिसको समझने के बाद आपको लगेगा कि दरअसल कांग्रेस यहाँ पर जीती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को जिताया है। 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले यानी कि 2018 में बहुत सारे चुनाव हुए। उसमें पहला चुनाव था छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी, रमन सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 2018 का विधानसभा चुनाव होता है, वहाँ पे कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनती है और भूपेश बघेल जी वहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं। ये हुआ एक राज्य। आइए दूसरे राज्य पे चलते हैं।
दूसरा बड़ा राज्य है राजस्थान, जहां पर ऑलरेडी बीजेपी की वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री हुआ करती थी, और 7 दिसंबर 2018 को राजस्थान के चुनाव होने के बाद कांग्रेस को पूरी बहुमत मिलती है और वहां पे सत्ता बनाती है कांग्रेस, जिसके मुख्यमंत्री होते हैं अशोक गहलोत जी। ये हो गया दूसरा राज्य। आइए तीसरे राज्य की तरफ चलते हैं, जो है मध्य प्रदेश। जी, मध्य प्रदेश, आपने सही सुना, तीसरा वो राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने ठीक लोकसभा चुनाव से पहले सरेंडर करके, सरेंडर इन द सेंस वो बनी बनाई थाली कांग्रेस को दे दी। उस समय शिवराज जी चौहान थे, जो कि कितने ही दशकों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है मध्य प्रदेश। इतने सालों की सत्ता के बाद ठीक लोकसभा चुनाव के 6 महीने पहले यानी 28 नवंबर 2018 को वहां पर कमलनाथ जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है और शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री के बाद जो अगले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बनते हैं वो हैं कमलनाथ। अब आप कहेंगे विनय भाई, राज्य आपने गिना दिए, इसमें अलग क्या है? इसमें अलग एक ही चीज है कि इस चारों राज्यों में लगभग बीजेपी की सरकार थी और उसने वो सरकार कांग्रेस को दे दी, लेकिन जैसे ही लोकसभा के चुनाव बीते वापस इन राज्यों को वापस ले लिया गया। अब आपको समझाने के लिए दो उदाहरण मैं आपको देता हूं। पहला उदाहरण है मध्य प्रदेश का, शिवराज जी चौहान वहां के मुख्यमंत्री थे, नवंबर दिसंबर 2018 में कमलनाथ जी वहां के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 2019 के अप्रैल महीने में लोकसभा चुनाव के मतदान हुए, मई 2019 में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए, नरेंद्र मोदी जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद ठीक कुछ महीनों बाद मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस चलाया गया। लोटस का मतलब जानते हैं, ऑपरेशन लोटस, किसी भी तरीके से चाहे विधायकों को खरीद के चाहे पार्टी तोड़कर वहां की सत्ता को वापस लिया जाता है। बीजेपी इसमें खिलाड़ी है, मास्टर है एक तरह से। अमित शाह जी को यूं ही चाणक्य नहीं कहते, उसके पीछे ये सबसे बड़ा कारण है। अगर अमित शाह चाह ले आज भी 60-65, 130 की बहुमत वाली भाजपा सरकार को गिरा के आज भी कर्नाटक में वो सत्ता हासिल कर सकता है, लेकिन उनको जरूरत इस समय नहीं है, ये करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। कमलनाथ जी की सरकार थी, लोकसभा चुनाव बीते, उसके बाद कांग्रेस को तोड़कर वहां पर फिर से 23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह की सरकार को वापस लाया गया और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण फिर से कर्नाटक का ले लीजिए। कर्नाटक चुनाव वो हारे थे, एच डी कुमार स्वामी को 2018 में वहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया था, जो कि जेडीएस और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार थी। उसके ठीक कुछ महीने बाद यानी कि 26 जुलाई 2000, सोचिए मई 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए, कभी हुए मई 2019, और 28 जुलाई 2019 को येदुरप्पा जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। मई जून जुलाई लोकसभा चुनाव, मई एक महीना ऑपरेशन लोटस, और जुलाई के महीने में येदुरप्पा जी मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते हैं उसी कर्नाटका में, जहां पर आज कांग्रेस को पूरी बहुमत की सरकार बनती दिखाई दे रही है, सरकार बनता दिखाई दे रहा है। ये उस चीज का हिस्सा है जिसे हम लोगों की जुबान में पॉलिटिकल किलिंग कहा जाता है, एक तरह से राजनीतिक हत्या। बहुमत के द्वारा चुनी हुई सरकार को, नैसर्गिक चुनी हुई सरकार को हत्या करके उनके विधायकों को खरीद कर, फरोश कर, डरा कर, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जेल, कोर्ट कचहरी करा कर आखिर उनको अपने पाले में लाना और सरकार बनाना। येदुरप्पा, उसके बाद बोम्मई, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण रहे हैं। ये वो स्ट्रेटेजी होती है जब किसी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जाना होता है तो ईवीएम पे सवाल ना उठाए, इसके लिए कुछ बड़े चुनाव वो खुद से हार जाती है। हार इसलिए जाती है ताकि ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया जा सके। अगर आप कल से अभी तक सोशल मीडिया और ट्विटर पर अगर फोकस करेंगे, अगर आप उस पर एक्टिव हैं, तो आपने एक चीज़ देखा होगा, बहुत सारे मीडिया चैनल्स के लोगों ने ईवीएम को लेकर कटाक्ष करते हुए ट्वीट किए। रूबिका लियाकत का आपने कमेंट देखा होगा, ट्वीट देखा होगा, जिसमें उन्होंने ईवीएम को लेकर पूछा कि आज उसके बारे में बातें नहीं हो रही हैं। बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स हैं जिसपे ये चीज रखी गई, बहुत सारे बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं जिसपे ये सवाल उठाया गया कि क्या कांग्रेस आज ईवीएम पे सवाल उठाएगी। दरअसल ये प्रोपोगेंडा इसी के लिए तैयार किया जाता है, कुछ हार फायदा पहुंचा देती है, इसी के लिए उसे हारना ही सही है। ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा रहा है। बहुत सारे विपक्ष के लोग इस चीजों को मानते भी हैं,
अभी मैंने जो चीजें आपसे कहीं, आप चाहें तो गूगल कर एक पेन पेपर पर रख के जब आप देखेंगे तारीख वाइज जब आप उसे एनालाइज करेंगे तो आपको ये चीज और ये खेला जो है वो समझ में आने लगेगा। ये दरअसल कर्नाटक का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं है, कुछ बड़ी लड़ाइयां जीतने के लिए छोटे प्याजों को शहीद किया जाता है, इसी में से एक शहादत उन्होंने कर्नाटक का दिया है। आगामी मध्य प्रदेश में भी बीजेपी सरकार हारेगी, आप ये चुनाव देख सकते हैं, नवंबर दिसंबर में होना है। आप उस समय इस वीडियो को आप एनालाइज करेंगे तो आपको ये पैटर्न समझ में आएगा कि ये दो बड़े चुनाव हारने के बाद फिर से ये लोग ऑपरेशन लोटस चलाकर इसे वापस से वहां पर सरकार हासिल कर लेंगे। लोकसभा में अगर आप स्थिति देखें 2024 की जो लोकसभा होने वाली है, अगर आज ये हो जाए, ये आपके सामने एक मैप दिख रहा होगा जहां पर 2014 से लेकर 2023 तक का भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ता वाले राज्य हैं वो सिकुड़ रहे हैं। अगर इस सिकुड़े हुए मई 2023 की अगर आप स्थिति को रूबरू करें या उसे कैलकुलेट करें तो आपको समझ में आएगा कि बीजेपी इस समय गुजरात में है जहां पर 26 लोकसभा सीटें वो जीत कर सांसद हैं उनके पास, हरियाणा में 10 हैं, उत्तराखंड में 5, उत्तर प्रदेश में 62, असम में 9, अरुणाचल प्रदेश में 2, मणिपुर में 1, त्रिपुरा में 2, गोवा में 1, मध्य प्रदेश में 28, महाराष्ट्र में 23। अगर इस टोटल आंकड़े को जहां पर इस समय महाराष्ट्र में या इस राज्यों में जो बीजेपी की सरकार है, अगर इन तमाम आंकड़ों को अगर देखें तो ये आंकड़े जो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की संख्या दिखाती है ये पहुंचती है केवल 169 पे, यानी कि 170 सांसद इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास शेष बचे हैं जहां पर इनकी सरकार है। अगर आज चुनाव हो जाए तो जो इनके पास 303 का बहुमत मिला था उसमें अधिकतर जो सांसद है वो वापस चुन ही नहीं पाएंगे, वापस जीत के नहीं आ सकते। अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो आप बिहार को ले लीजिए, बिहार में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो उस समय जेडीयू और बीजेपी का अलायंस था, दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और वहां पर जो आंकड़े आए थे उनके हिसाब से थे। लेकिन अगर आज वहां बिहार में चुनाव होगा तो क्या परिस्थिति होगी? कांग्रेस भी हो सकता है भविष्य में लोकसभा चुनाव में जेडीयू और इसका आरजेडी का अलायंस का हिस्सा बन जाए। तीन बड़ी पार्टियां एक तरफ हैं, बीजेपी एक तरफ है, तीनों बड़ी पार्टियों के पास अपनी विचारधारा के कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, वोट बैंक है, बीजेपी के पास अपना एक वोट बैंक है। इन तीन पार्टी वर्सेस एक पार्टी की जब लड़ाई होगी तो तीन जो पार्टियां हैं वो जीत के ही यानी है। उसका रीजन है क्योंकि जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक वोट पड़ा होगा, एक वोट जेडीयू, एक वोट आरजेडी, एक वोट कांग्रेस का, यानी कि तीन वोट वहां पे पड़ चुका होगा, 1:3 का ये लड़ाई है। महाराष्ट्र में अगर आप स्थिति देखें, इसमें शिंदे और बीजेपी का गुट अगर एक तरफ कर दिया जाए तो तीन बड़ी पार्टियां जिसमें कि उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस एक तरफ है, जब तक भाजपा और शिंदे गुट का एक वोट पड़ेगा इन तीन पार्टियों के तीन वोट पड़ चुके होंगे। लोकसभा चुनाव पे इस कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी 170 सीटों पर सिमट जाएगी। इसका फायदा किसको मिलेगा? कांग्रेस को। इसका फायदा किसको मिलेगा? उन तमाम विपक्षी पार्टियों को जो भारतीय जनता पार्टी के सामने सीधी टक्कर नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए एकजुटता बनाकर आपस में सारी पार्टियां मिलकर एक उम्मीदवार उतारे और एक भारतीय जनता पार्टी का जब उम्मीदवार होगा तो समझिए भारतीय जनता पार्टी का जो हार है वो लगभग लगभग निश्चित है। लेकिन ये एकमत बनना, एक उम्मीदवार दे पाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज विपक्षों के पास है। इसको कैसे वो शॉर्ट आउट करते हैं यही असली इस लोकसभा चुनाव का रणनीति और खेला होगा। लेकिन जो चीजें मैंने आपको अभी बताई हैं ये तथ्यों के आधार पर है, ये पैटर्न आप खुद भी देख सकते हैं। क्या आपको लगता है वसुंधरा राजे की सरकार बीजेपी हार जाएगी? क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो पिछले कितने ही सालों से दशकों से मध्य प्रदेश पर राज कर रहे हैं, एक छत्र शासन लेकर भाजपा का गढ़ बना हुआ है, वहां पे क्या भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ या फिर कांग्रेस से हार जाएगी? ये मुमकिन नहीं है, ग्राउंड लेवल पे ये मुमकिन नहीं है। उसके बावजूद भी लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए, ईवीएम पर मुंह बंद करने के लिए ये बड़े राज्यों को हारा गया। यही पैटर्न की शुरुआत इस समय कर्नाटक से शुरू किया गया है। 6-8 महीने में बहुत सारे बड़े चुनाव हैं, आप देखेंगे। मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश का जब चुनाव होगा उस समय कांग्रेस वहां पर जीत के निकलेगी और भारतीय जनता पार्टी की वहां पर करारी हार होगी। दरअसल ये करारी हार थाली में परोस के बीजेपी ने कांग्रेस को दिया है ताकि लोकसभा चुनाव जीता जा सके और लोगों के मुंह में जो ये ईवीएम को लेकर सवाल है उसका जवाब देकर इसे, इसकी जो तीव्रता है उसे कम किया जा सके। उन्हें डर है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जनता जो है वो बगावत कर सकती है, जनता सड़कों पे उतर सकती है और एक तरह से इस आंदोलन के खिलाफ
एक बड़ा जनाधार, क्योंकि विपक्ष के पास 67% की वोटिंग है, वोट बैंक्स हैं, जनता है, सपोर्ट है। कांग्रेस के बीजेपी के पास केवल 30% का हिस्सा, अगर आप पकड़े 33% का हिस्सा पकड़े तो भी नाकाफी है इतने बड़े जनाधार, इतने बड़े आंदोलन के खिलाफ। ये चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी का डर है। इसी डर को समाप्त करने के लिए ईवीएम के नाम को एक मजाक के तौर पर, ईवीएम की जो गंभीरता है, उसकी जो तीव्रता है, उसे कम करने के लिए ये राजनीतिक शहादतें दी जाती हैं। कर्नाटक को शहीद कर दिया गया, आगामी में भविष्य में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश को भी शहीद कर देंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। ये वो रणनीतिक चालें हैं जो इस समय भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ, देश के साथ खेल रही है। बहुत कम लोगों को इस रणनीति से जानकारी होगी, क्योंकि इतनी स्टडी करने के पास आप लोगों के पास समय नहीं होता। हम लोग पूरी तथ्यों के साथ जब रेक्टिफाई करते हैं, होमवर्क करते हैं और चीज़ों को जब पैटर्न के साथ जोड़ते हैं तो असली खेला समझ में आता है। और कर्नाटक चुनाव में हारना इस एक रणनीति का पहला कदम था। आने वाले समय में आप बहुत आश्चर्यजनक चुनाव देखेंगे और लोकसभा में 300 से ज़्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से बहुमत की सरकार बनाएगी, अगर यही पैटर्न और यही चीज़ें चलती रहीं। मैं तमाम लोगों से निवेदन करूंगा, खास तौर पर सारे विपक्षी दलों से, कि इस ईवीएम को लेकर भी आप लोग गंभीरता या फिर उसकी सक्रियता को छोड़े नहीं, लगातार इस विषय को पकड़ के रखें और हो सकता है जितनी कोशिश की जा सकती है इस चीज़ों को लेकर पारदर्शिता के साथ, चौकन्ना के साथ अगले चुनाव लड़ते रहिए। आपको मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आज देश में निष्पक्ष या फिर एक बिना प्रभाव के, बिना मशीनों के, इंटरफेयर के अगर चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों के अंदर सिमट सकती है, क्योंकि जनता ने को जिस तरह से उन्होंने हलाल किया है, जनता को जिस तरह से उन्होंने कष्ट दिया है, बेरोजगारों की समस्याओं पे मुंह बंद कर लिया, किसानों को कितने ही दिनों तक आंदोलन करने पे मजबूर किया, वो सारा गुस्सा लोगों के अंदर है। जब वो मतदान करने जाते हैं तो वोट भी उसी के खिलाफ पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैनेज हो जाती हैं, जिसके बाद पता चलता है कि उनका जो गुस्सा था, जो जायज़ गुस्सा था, मतदान करने के बाद भी वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाया। मैं किसी पे प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आती हैं, जो तथ्य मुझे दिखाई देते हैं, जो फिगर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बाकी जो सरकारी संस्थाएँ देती हैं, वो देखने के बाद हकीकत से जब मैं रूबरू देखता हूं तो वो कहीं भी मैच नहीं पाता, जुड़ नहीं पाता। यही कारण है कि सवाल और शंका पैदा होते हैं। अब तमाम लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये जो बातें मैंने आपको कही हैं, इस पर लेकर आपकी क्या राय है, इसको लेकर आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।